टाइम क्या हो रहा है? टाइम मेरे को इधर से कैलेंडर दिखाई देता है, मैं डेट बता सकती हूँ। घड़ी इधर लगी है तो क्या टाइम आप बताओगे? 9:20 हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो रोज ही बजते हैं 9:20। 9:20 की बात नहीं, सुनो जरा मेरी बात। थी सुनाओ। गीजर का स्विच बंद है क्यों? ये तो ड्यूटी आपको मालूम है, डेली याद दिलाने का काम नहीं है मेरा। अच्छा 9:30 हम नहाने जाएंगे, सब चीजें तैयार होनी चाहिए। अच्छा जब हम वॉशरूम से बाहर निकले तब तो क्या क्या हमको मिलना चाहिए रेडी? आप ही बता दो। अरे रोज बताना पड़ता, डेली बताना पड़ेगा। याद बता। करो, कॉपी किताब में लिख लीजिए, जैसे एग्जाम में आता है वैसे याद करो। अच्छा कपड़े हमारे, और ऑफिस जाने का सब सामान तैयार करो। पूरी मैं हमेशा बताऊंगा नहीं, आज से स्टैंडिंग ऑर्डर है। उठ जाओ उठ जाओ, नींद खुली नहीं अभी आपकी। उठ गए, चाय भी पी चुके हो, इतनी बातें सपने में करने की होती है। उठ जाओ उठ जाओ। अरे साहब आप, क्या करे, नमस्कार जी, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक और ठीक आज आप ये हमारी बताओ। सेकंड चाय ठीक बनाने का मौका शर्मा जी को मिला है, तो आज शर्मा जी पिलाएंगे हमको चाय। अच्छी बननी चाहिए। चाय तो पिला देंगे बना के, लेकिन देखिएगा नखरे कितने करेंगे, पर चलता है कभी कभी, नखरे बर्दाश्त कर लेंगे। कोई हाथ नहीं था मेरे पास। निकालेंगे कमी तो निकालते रहेंगे, अपने को क्या फर्क पड़ना है। चुमन बोल रहा 10 कमी निकालेंगे, मैं बना देता। वो तो निकालेंगे ही निकालेंगे, आदत पड़ी हुई है इनकी तो कमियां निकालने की। बस फिर चाय पी के हम लोग, ये लोग तो निकल गए थे, फिर मैं अपने बात के काम निपटाने के लिए इधर आ गई। ये आज रेलिंग साफ़ कर रही हूँ, इसमें क्या मिट्टियाँ घुस जाती हैं, पौधे में पानी चढ़ता है उसकी मिट्टी हो जाती है, और पत्तियाँ टूट टूट के गिरती हैं वो भी हो जाती है। तो इसके लिए ना ब्रश ला रखा है मैंने, बहुत अच्छा ब्रश है। मतलब ब्रश से आप साफ़ कर लो, फिर एक छोटी सी इसके उठाने की भी सुपड़ी जैसी भी साथ में ही है। हालांकि थोड़ी परेशानी हो रही थी मेरे को, पर इजीली मतलब वैक्यूम क्लीनर से ज़्यादा इससे अच्छे से साफ़ होता है, मैंने ऐसा नोटिस करा है। एक दो बार वैक्यूम क्लीनर से भी करा है, लेकिन उससे काम ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे क्या शांति से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आराम से हो जाता है काम। और एक ब्रश अभी मैंने ना बॉम्बे गए थे हम लोग, जब हम लोगों ने देखा था, पर वो ख़रीद भी लिया था और वो दुकानदार के पास ही छूट गया। बस ये मैंने कर लिया। फिर उसके बाद ये ब्रश तो कोट वोट झाड़ने का था, पर वो कोट तो झाड़ते नहीं इससे, तो फिर मैं इससे देखिए आप एकदम क्लीन हो गया। फिर ये बाद में ब्रश से कर दिया, तो क्या इससे इसकी जो स्पंज है ना वो ख़राब नहीं होगी, नहीं तो इसमें साइड में एक वेलवेट जैसी लगी रहती है, फिर वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद बस ये गमलों में पानी डाल रही हूँ, 2-3 दिन से ही डालती हूँ आजकल पानी। इसका जो नोज़ल है ना, इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि कोई काई वाई जम जाती है, उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। इससे पानी निकल रहा नहीं था और फिर वो अंदर गिर रहा था, तो मैंने आधा कांच खोला और आधे से कर रही थी इसको मैं, क्योंकि नहीं तो वो अंदर से गीला हो रहा था। उसके बाद दोपहर के समय एक ये DIY कर रही हूँ, देखो अगर पूरा बन जाएगा तो इसी वीडियो में कम्प्लीट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं तो फिर ये मैं अगले में करूँगी। और जैसा कि मेरे को लग रहा है कि आगे का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो फिर मैंने सोचा कि इसको चलो एंड कर ही देते हैं यहाँ पर। ये इस तरीके से मैंने ना पेपर फोल्ड कर लिए, साबुत के साबुत पेपर ही हैं पूरे, फिर उसको टेप से एक रोल जैसे बनाए हैं मैंने। आप लोग गैस करिए, समझ में आ जाएगा मेरे को लगता है कि जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, और नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस कि इसका मैंने क्या बनाया है। तो बस अपने वीडियो का एंड करती हूँ यहाँ पर, और सस्पेंस भी क्रिएट हो गया है, तो जिसको जिसको समझ में आ जाए तो बताएं कि क्या बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।